नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। गुजरात में कुरियर से पहुंचा शौर्य चक्र तो माता पिता ने लौटाया, कहा शहादत के सम्मान को भेजा नहीं जाता। हॉकी विश्व कप का शेड्यूल जारी, ग्रुप डी में भारत के साथ इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ईसाई धर्मगुरु के घर से मिले 1,65,00,000 रुपए, संस्था का नाम बदल कर किया है करोड़ों का गबन। बगैर गठबंधन के चुनाव लड़ने की राह पर कांग्रेस, पद यात्रा से लेगी बूस्टर डोज। भाजपा का आरोप, उद्धव राज में मजार बन गई याकूब मेमन की कब्र, देश से माफी मांगे ठाकरे, पवार और राहुल। सेंट्रल विस्टा आने वाले लोगों को बस सेवा देगी दिल्ली मेट्रो। एशिया कप में अफगान फैंस ने पाकिस्तानियों को पीटा, कुर्सियां फेंक कर मारी, मैदान पर खिलाड़ियों में भी तनातनी। गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक, खुद को आंध्र प्रदेश के सांसद का पीए बता, शख्स ने तोड़ा घेरा। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर 12 सितंबर को सुनवाई, 200 अर्जियों पर विचार करेगी सीजेआई की बेंच। 1,00,000 रुपए की उल्टी बेचने लखनऊ आए 4 शख्स पकड़ाए। 12 जवानों को लेकर जा रही आईटीबीपी की बस खाई में गिरी, राहत बचाव का कार्य जारी। भारत जोड़ो यात्रा बनाम सत्ता संघर्ष, 2024 की सियासी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बोले, डिजिटल ऋण से जुड़े नियम ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। वित्त मंत्री ने दी आरबीआई को सलाह, बोली महंगाई पर लगाम लगाने के लिए बेहतर तालमेल की जरूरत। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन बिक्री 11.8 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौता जल्द, पीयूष गोयल ने बताया देश को होगा यह फायदा। 2022 में 82,000 भारतीय छात्रों को मिला अमेरिकी वीजा, अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक संख्या। चीन के अत्याचारों का दस्तावेज, उइगरों के उत्पीड़न पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से अब चारों ओर हो रही आलोचना। ममता बनाम केंद्र का मामला, नेताजी की प्रतिमा के लोकार्पण के न्योते पर भड़की ममता, बोली मैं उनकी बंधुआ मजदूर नहीं। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ छापेमारी, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और एक एनजीओ पर भी रेड। अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों को कबाड़ खाना बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय मंत्री ने किया बचाव। स्टिंग वीडियो का संज्ञान ले, घोटाले की जांच करे सीबीआई, भाजपा विधायक एजेंसी को लिखेंगे पत्र। दिल्ली पंजाब के बाद हरियाणा, कांग्रेस का विकल्प बनेगी आप। अरविंद केजरीवाल अपना रहे मोदी मॉडल, 2024 के लिए चला बड़ा दांव। तेलंगाना में सुंदरा राजन का झलका दर्द, बोली महिला राज्यपाल से भेदभाव का लिखा जाएगा इतिहास। नई नीति से सहकारिता क्षेत्र में होंगे समग्र बदलाव, अमित शाह ने बताया मकसद। ओडिशा में दुश्मनों का वार, पल भर में होगा धराशायी, भारतीय सेना ने किया QRSAM मिसाइल का 6th सफल परीक्षण। गुजरात के सूरत में चिकित्सा शिविर का उद्घाटन, मोदी बोले गुजरात में मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों का नेटवर्क तैयार। देश में COVID-19 के 6,395 नए मरीज आए सामने, मरने वालों की संख्या में हुआ इजाफा। फरीदकोट के महाराजा की संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा बेटियों को, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर।
अक्टूबर से जनवरी तक चलेगा मंत्रियों के प्रवास का दूसरा दौर, 50% सीटें जीतने का लक्ष्य। कैसे देंगे 10 लाख नौकरी, पीएम मोदी ने खींचा खाका। कैबिनेट बैठक में डीओपीटी सचिव ने पेश की कार्य योजना। जेल में बंद पार्थ चटर्जी को विधानसभा की बीए कमेटी में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व में बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, कर्नाटक में आज भारी बारिश के आसार। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने 9 देशों के राजदूतों से की मुलाकात, विभिन्न पहलुओं पर हुई बातचीत। एजी वेणुगोपाल बोले 30 सितंबर को खत्म हो रहा मेरा कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालत की ताकत को कम न आंके। बिहार पॉलिटिक्स में नई उम्मीद और पुराने साथियों से मिलकर पटना लौटे नीतीश कुमार, शरद यादव रणनीति पर करेंगे काम। गोवा पुलिस ने 3 ड्रग्स तस्कर किए गिरफ्तार, सीएम बोले नशे के सौदागरों की तोड़ी जा रही कमर। इत्र कारोबारी का मामला, पीयूष जैन 8 माह बाद जेल से रिहा, घरों से मिले थे 197 करोड़ की नकदी और सोने का सिल्ली। मायावती का बयान, किसानों के लिए यूपी सरकार की घोषणा, ऊंट के मुंह में जीरा जैसे। मायावती का बयान, किसानों के लिए यूपी सरकार की घोषणाएं, ऊंट के मुंह में जीरा। हिमाचल में 24 सितंबर को मंडी आएंगे पीएम मोदी, जुटेंगे 1 लाख युवा। श्रीनगर से गांदरबल तक वाटर स्पोर्ट्स का पुनरुद्धार, उपराज्यपाल ने रैली को झंडी दिखाकर किया रवाना। पंजाब में SYL पर फिर छिड़ी बहस, आप समेत पंजाब के सभी दल पानी न देने पर कायम। हरियाणा में 12 और 13 नवंबर को होगा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आदमपुर में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा शुरू। बांग्लादेश की पीएम बनने के बाद चौथी बार अजमेर पहुंची शेख हसीना, दरगाह में की जियारत। बिहार टेरर मॉड्यूल आतंकियों को दबोचने के लिए 32 जगहों पर NIA का छापा, अररिया से लेकर दरभंगा तक धरपकड़ जारी। छत्तीसगढ़ में संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे रायपुर, राष्ट्रीय समन्वय बैठक में लिया भाग। मुख्यमंत्री भूपेश का असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर पलटवार, कहा नया मुल्ला प्याज खाता है। छत्तीसगढ़ में OBC वोटर्स को साधने के लिए सीएम बघेल का बड़ा दाव, सलाहकार परिषद का गठन करेगी सरकार। झारखंड में अंडर गारमेंट्स खत्म हो गए थे इसलिए खरीदने दिल्ली गया था, सियासी अटकलों पर बोले सीएम सोरेन के भाई। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के 3 निलंबित विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई स्थगित की। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।